चिनार में जिस तरीके की तशद्दुद के वाकयात हमेशा देखने को मिलते हैं, क्या समझते हैं कि इसमें सरकारें भी मुलव्वस हैं, पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों का जो रूल रोल है वो बहुत ही गंदा रहा, तो उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान की सरकार मुलव्वस है। मैं पाकिस्तानी सरकार को पूरी तरीके से इसमें मुलव्वस मानता हूँ। और जो पाकिस्तान में मुसलसल शियों का कत्लेआम हो रहा है, जो टारगेट किलिंग हो रही है और जो मॉब किलिंग हो रही है, पूरी तरीके से पाकिस्तान सरकार विफल हो चुकी है। जिस तरीके से पारा चिनार में पाकिस्तान में शियों का कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान सरकार एक पारा चिनार पर जब कंट्रोल नहीं कर सकी तो पूरे पाकिस्तान पर क्या कंट्रोल करेगी। आज हैदरी टास्क फोर्स की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ के ऊपर एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का बाकायदा पुतला जलाया जाएगा। क्या समझते हैं, क्या कैंडल मार्च भी होगा, मजलिस होगी, जलसा है, मजलिस है, उसके बाद कैंडल मार्च है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का पुतला जलाया जाएगा। भाई देखिए, हम दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन का पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से वहाँ के ऊपर प्रदर्शन होगा और वहाँ के ऊपर हम मेमोरेंडम देंगे यूनाइटेड नेशन के ऑफिस को, पाकिस्तान के एम्बेसडर को मेमोरेंडम देंगे और जितना भी ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड, हैदरी टास्क फोर्स और हमारे दूसरे इदारे ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड, सब मिल के मुश्तरका एहतजाज करेंगे दिल्ली में बहुत जल्द। आतंकी हमला नहीं, ये जानबूझ के हमला किया गया है, ये मुस्तकिल हमले कर रहे हैं, ये मुस्तकिल हमले हो रहे हैं और जानबूझ के हमले हो रहे हैं। आतंकवाद जाहिर बात है आतंकवाद तो है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी देश नहीं आतंकवादी देश है, लिहाजा उनका हर हमला आतंकवादी हमला है। जैसे दूसरी तंजीमें हैं, आईएसएस है, बोको हराम है और ये तमाम जो तंजीमें, आप समझते हैं कि क्या इन सब के इशराक से ये हमले पाकिस्तान में जो रोज जारियाना होते हैं, इसकी एक कड़ी ये भी हो सकती है? पूरी तरीके से इसकी एक ये कड़ी है और इस कड़ी को अगर से नहीं रोका गया तो पाकिस्तान क्या और दूसरे जगह के ऊपर इसके असरात बहुत गलत मुरतब हो रहे हैं। अगर से गाजा में मुसलमान मारा जाए तब वो मुसलमान है, पूरी दुनिया आवाज़ उठाए। पारा चिनार में बच्चे कत्ल कर दिए जाएं तो क्या उनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है? अगर हमारा मरे तो मुसलमान है, तुम्हारा मरे तो काफिर है, ये ड्यूअल पॉलिसी नहीं चलेगी।